हमने ये पढ़ लिया था, एवरेज स्पीड यहां तक कर लिया था, ये करना था आज अपने। तो हमने ये पढ़ा था कि ये वाला थोड़ा सा इसको टिक कर लेना, इस वाली चीज को भी यहां से। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट, यहां से, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको टिक करना। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। इससे पहले का अपन पढ़ चुके थे, मैं थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट, इसलिए इनकी जो रेट ऑफ मोशन होता है, मतलब इनकी जो स्पीड होती है, उसको हम एवरेज स्पीड की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो मतलब एवरेज स्पीड हम कौन से मोशन के लिए हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एवरेज स्पीड हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हम एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसका यूज करते हैं। द एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेक। तो ये है, ये इसका फॉर्मूला है, ये पढ़ना था अपन को। Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 kilometer in 2 hours. एक कार है, वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये एक कार है, ये 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कितने 2 hours के अंदर। 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 hours में। Its average speed is 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड दे रखी है इसकी, इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ लिख दो, एवरेज स्पीड भी गिवन है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। तो ये बता रखा है कि जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं चली है, हर समय वो 50 किलोमीटर पर आवर पे नहीं चल रही है। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर और समटाइम स्लोअर देन दिस। कभी तेज चल रही है, कभी ज्यादा। जैसे हम परसेंटेज बन जाती है 70, तो किसी में अपने 50 भी मार्क्स आते हैं, किसी में 60 आते हैं, ठीक है, किसी में 80 आ जाते हैं। तो अपनी एवरेज जो परसेंटेज है वो 70 बन रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे सब्जेक्ट में 70 70 नंबर ही आए, किसी में ज्यादा भी आ सकते हैं और किसी में कम भी आ सकते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ स्पीड में है, 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। इसका मतलब जो कार है वो सारे समय, ऑल द टाइम, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं चल रही है। जरूरी नहीं कि वो इसी स्पीड पे चले। इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर, वो फास्टर भी हो सकती है और स्लोअर भी हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल जो चला है उसका शो करता है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल करता है, कितने, 4 सेकेंड्स के अंदर। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई भी कार ले लो, ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो ये कार चल रही है और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये, कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स के अंदर। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक दूसरी कार है, वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 सेकेंड में। 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 सेकेंड्स के अंदर। मैम इसी ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है ना, फिर वो जो अगले 16 मीटर हाँ हाँ सेकंड में कवर। हाँ, इसी के लिए बात हो रही है। हाँ, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। हाँ, इसी एक ही के लिए बात हो रही है, मुझे लगा अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर, इसी के लिए बात हो रही है। पहले वो 16 मीटर चलती है 4 सेकेंड के अंदर, सपोज यहाँ पे 16 मीटर हो गया खत्म। फिर इसके बाद ये चलती है अगले 16 मीटर, उनको इसको रब कर देते, फिर ये अगले 16 मीटर चलती है 2 सेकंड के अंदर। अगला जो 16 मीटर चला है अगला जो 16 मीटर चला है वो टू
वो 2 सेकेंड्स के अंदर चला है, ठीक है. वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6, टोटल टाइम हो जाएगा 6, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे और चल जाए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 32 मीटर अपॉन 6 सेकंड, और ये मीटर में है ये सेकंड में, तो ये भी सब सही है, डिवाइड कर दो ये आंसर आ गया. देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकेंड. आगे चलो, स्पीड विद डायरेक्शन, अब यहाँ आ जाती है वेलोसिटी. अभी तक हमने स्पीड पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ ली हमने, कांस्टेंट स्पीड भी हमने देख लिया, कांस्टेंट मतलब एक ही स्पीड पे कोई चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई कि उस मोमेंट पे जो स्पीड है, कि अभी मैं 30 पे चला रही हूँ फिर मैं 20 पे चला रही हूँ, तो वो जो उस मोमेंट पे जो स्पीड है वो, अभी मैं 30 पे चला रही हूँ तो 30 हो गई मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट पे, इसलिए इंस्टेंट. इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम्हारे आएगा नहीं, वैसे तुम्हारे एवरेज स्पीड ही पूछा जाएगा और स्पीड पूछा जाएगा, वो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, स्पीड विद डायरेक्शन. अब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन ऐड हो जाती है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हो और ये भी बता रहे हो कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रीहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन of motion along with its speed. Comprehensive का भी लिखा है आपने. विषय विशेष से जुड़े सभी पक्षों सहित विस्तृत विस्तृत आ जाएगा अपना. Including everything or nearly everything that is connected with a particular subject. तो सब कुछ वो include कर लो. Including everything or nearly everything that is connected with a particular subject. विस्तृत मतलब विषय विशेष से जुड़े सभी पक्ष. जैसे speed है तो direction भी बता दी. तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया ये बोला ना इसने. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रीहेंसिव मतलब और भी विस्तृत हम तरीके से बता सकते हैं रेट ऑफ मोशन को अगर हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दे. तो कॉम्प्रीहेंसिव का एक मतलब होता है विस्तृत. अब मैं अपना तो यही है, ये भी पढ़ लेते हैं. यूज्ड अबाउट एजुकेशन, एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ एबिलिटी इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में विविध योग्यता स्तरों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित. अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम मतलब सारे लेवल के एबिलिटी के बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना. सेकेंडरी स्कूल इन विच चिल्ड्रन ऑफ ऑल लेवल ऑफ एबिलिटी आर एजुकेटेड, ऐसे माध्यमिक विद्यालय जहाँ विविध योग्यता स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. आई वेंट टू द लोकल कॉम्प्रिहेंसिव जहाँ भी सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. अपना ये है फर्स्ट वाला, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. जैसे स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाती है तो पूरा उसका विस्तृत एक तरह से वो हो जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है. इंक्लूडिंग एवरीथिंग नियरली एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो रेट ऑफ मोशन के साथ अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है एक तरह से. Of the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. Speed के साथ अगर हम direction of motion को भी direction, क्योंकि जो motion हो रहा है वो किस direction में हो रहा है वो भी अगर हम specify कर देते हैं, specify कर देना मतलब वो भी हम बता देते हैं उसके साथ, तो ये पूरा comprehensive हो गया, मतलब पूरी detail दे दी हमने. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. इसको वेलोसिटी कहा जाता है. वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन. ये इसकी डेफिनेशन मत लिखते ना, ये सिर्फ नहीं आएगी इसकी डेफिनेशन. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन. ये पूरा लिखना पड़ेगा. नीचे वाली है वैसे तो डेफिनेशन, जो मैंने ये टिक करी ना ये कह सकते हो.
वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन यस. इसलिए वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी. v से वेलोसिटी, v से वेक्टर क्वांटिटी. s से स्पीड, s से स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं. तो स्पीड फोर्स हमारी भी वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स फोर्स ये सब हम पढ़ लेंगे. वैसे ये 11 12th में आता है पूरा कि कौन कौन सी स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर है. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में ही आता है फोर्स भी. ठीक है, तो वो सब हम आगे पढ़ लेंगे, आगे सारे आ जाते हैं. अभी जो है अपने ये पढ़ लेते हैं. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, स्पीड के साथ डायरेक्शन. बस बहुत सिंपल है, स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन दे दी तो वो वेलोसिटी है. अगर सिर्फ स्पीड बताइए तो वो सिर्फ स्पीड है. सिर्फ मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन है मतलब वेलोसिटी. सिंपल सी चीज बस. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको भी टिक कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, और वेरिएबल भी हो सकती है. तो वही चीज है, जैसे जो स्पीड है, जैसे स्पीड हमारी कांस्टेंट भी हो सकती थी और क्या बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अलग अलग डिफरेंट भी हो सकती थी. तो वही इसके अंदर आ जाएगा. जैसे अपन हाईवेज पे चलते हैं तो हाईवे पे मैं कह दूं कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ और मैं 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ मैं जा रही हूँ हाईवे के ऊपर, है ना. तो ये वेलोसिटी होगी ना मेरी, ये मेरी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ गलियों में ही जा रही हूँ आसपास, ठीक है, और मैं बता दूं कि मैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जा रही हूँ मैं, और जैसे जो रोड है वो इस तरह की है अपनी, चलो मेन रोड ही ले लो, तो उस पे ट्रैफिक होता है, कभी रेड लाइट आती है तो उस वजह से हमें रुकना पड़ता है. मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रही हूँ और मैं वेलोसिटी, वेलोसिटी के हिसाब से तो स्ट्रेट ही चलना पड़ता है ना. हाँ, वेलोसिटी हम जब वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस कवर नहीं होता उसमें. फाइनल और इनिशियल जो पॉइंट होता है ना, जहां से आपने स्टार्ट करा और जहां आप पहुंचे, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है. अगर आप ऐसे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ मुझे जाना है. अगर सपोज रोड इस तरह से कोई रोड बनी हुई है ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी में तो हम ये यहां से और यहां तक लेंगे सिर्फ ये, और ये मैप के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है ये चीज. ये मैप के थ्रू ही पॉसिबल है, इसमें हम डिस्टेंस नहीं लेते. वेलोसिटी है ना डिस्प्लेसमेंट की स्पीड बताती है, और ये जो स्पीड है वो जो ये डायरेक्शन है उसकी जो रेट ऑफ मोशन वो बताती है. हाँ ऐसे मत बोलो लेकिन कि डिस्प्लेसमेंट की स्पीड बताती है, अपन ऐसे बोलते नहीं है इसको, इसको ऐसे ही कहा जाता है. वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, जो भी हमारी स्पीड है उसके साथ डायरेक्शन. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बोलते हैं टाइम, वो इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का. यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी समझ गया ना. यूनिफॉर्म मतलब मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही हूँ, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं स्कूटी चला रही हूँ, और नॉर्थ में हाईवे पे जो होता है वो अपना यूनिफॉर्म हो गया, और इधर आसपास रोडों पे अपन घूमते हैं वो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म कह लो. वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक ही चीज है. वेरिएबल मतलब होता है जो चेंजिंग, ठीक है, जो चेंज हो रहा है. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड. तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी अगर हम स्पीड चेंज करेंगे. वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी स्पीड ही तो है, बस साथ में डायरेक्शन जुड़ी हुई है. तो अगर हम इट कैन बी चेंज, तो हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. आपके दिमाग से ना डिस्प्लेसमेंट का वो निकाल दो, जैसे डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी. स्पीड और डायरेक्शन ये ध्यान रखो वेलोसिटी के लिए, वो फॉर्मूले में यूज करेंगे अपन सिर्फ. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करते हैं तो इसका मतलब हम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं उसकी, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. इसको टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाती हूँ अच्छे से. इसमें कैसे क्वेश्चन आता है देखो. इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. ये पूरा टिक. इसने बोला है कि जो वेलोसिटी है वो कब कब चेंज हो सकती है, या तो मैं स्पीड चेंज करूंगी, स्पीड चेंज करूंगी तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन.
वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी दे दी, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो 40 किलोमीटर पर आर पर किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो फिर है ना जो मैग्नीट्यूड है वो है ना चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। हाँ डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है, अगर करना चाहो तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहो तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या दोनों चेंज करो, मैं समझ यही चीज समझा रही हूँ। देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर आप स्पीड चेंज करते हो, सपोज आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, अगर आप 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहे हो, थोड़ी देर बाद आप 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने लगे, तो आपने अपनी स्पीड चेंज करी, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। फिर अगर सपोज स्पीड सेम है, 40 की स्पीड पे ही मैं चला रही हूँ, वापस दूसरी बार भी 40 की स्पीड पे, सेम स्पीड पे मैं चल रही हूँ, 40 किलोमीटर पर आर, 40 जो हाईवे होता है उस पे मैं सेम स्पीड पे चल रही हूँ, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रही हूँ पूरे टाइम, लेकिन जो डायरेक्शन है मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली, मैं नॉर्थ में जा रही थी फिर मैंने टर्न ले लिया, मैं साउथ में जाने लगी 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड, स्पीड सेम है, स्पीड को चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अभी भी पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं हायर क्लासेस में, कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम स्पीड चेंज नहीं करते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट की हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ वेलोसिटी में चेंज होगा, आप दो, क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों का सम है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो अगर आप या तो स्पीड में चेंज करो या फिर आप डायरेक्शन किसी में भी चेंज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा, किसी एक में भी चेंज करोगे तो, और दोनों में करोगे तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों में करते डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी में है ना चेंज होगा, yes. जो स्पीड में चेंज करेंगे तब भी, yes, तब भी अगर स्पीड आप चेंज कर रहे हो और डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी चेंज होगी होगी तब तो। जो कार है उसकी है ना 40 किलोमीटर पर आर जो स्पीड है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है, तो उसने डायरेक्शन चेंज की तो फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुड़ गया तो वो ईस्ट हो गई, तो फिर वो वेलोसिटी चेंज हो गई, चेंज हो गई और स्पीड में करेगा तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। हाँ अगर स्पीड सेम है 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा है लेकिन वो ईस्ट में चला गया, पहले नॉर्थ थी अब ईस्ट हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, यही तो लिखा है यहाँ पे, ये देखो इट कैन बी चेंज्ड, इट मतलब वेलोसिटी के लिए बोला गया, इट कैन बी चेंज्ड मतलब वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर आप चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, कॉमा डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर स्पीड सेम है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहे हो सिर्फ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और बोथ या फिर आप दोनों को ही चेंज कर रहे हो तो होगी होगी ऑब्वियसली, तब तो चेंज होगी ही होगी, स्पीड को अपन चेंज करेंगे तो अंडरस्टूड ही है अपन को कि हाँ यार स्पीड चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली चेंज ही होगी, बट बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं ना कि अगर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो क्या उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है उनको, हाँ या ना गलत कराते हैं, तो इसमें होगी, इसको गलत नहीं करके आना है, अगर डायरेक्शन वेलोसिटी को वेलोसिटी की फिर है ना एवरेज कैसे निकालेंगे जब उसके अंदर है ना वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो। हाँ तो वो एवरेज में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इनिशियल फाइनल पॉइंट होता है ना, एवरेज निकल जाएगी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, एवरेज देखो डायरेक्शन भी तो करेगा ना, डायरेक्शन तो अपन वो बताने के लिए कि वेलोसिटी है बस, एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी होगी ना उनको प्लस करके बाय टू ऐसे निकल जाती, ये भी आगे बता रही हूँ आगे आ जाएगा, इतना समझ में आ गया ना यहाँ तक जो करवाया, ये जो लाइनें मैंने टिक करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको समझ लेना सबको। When an object is moving along a straight line at a variable speed, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड पे, रुको इनको रब करने दो एक मिनट, वेरिएबल मतलब अलग अलग स्पीड पे, कोई ऑब्जेक्ट है और वो ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड पे, सबसे पहले वो चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से,
थोड़ी देर बाद रोड थोड़ी उसको साफ दिखाई दी, खाली है, तो उसने स्पीड को और बढ़ा ली। स्पीड बढ़ा के अब ये चलने लग गया 20 मीटर पर सेकेंड पे। फिर और उसको साफ दिखाई दी रोड, तो और स्पीड बढ़ा ली 30 मीटर पर सेकेंड। अब वापस बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, कुछ आ गया, तो उसने स्पीड अपनी डिक्रीज कर ली, 20 ले लेते हैं, चलो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग स्पीड पे चल रहा है, वेरिएबल स्पीड पे। तो क्या लिखा है इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट अ वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड पे मूव कर रहा है, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन भी लिखते हो तो ये भी इसमें डायरेक्शन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ अगर बोले तो उसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो उसको काउंट करेंगे। यहाँ लिखा है ना देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड में वो चल रहा है, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्या बताएंगे। पहले तो मैं 10 मीटर की स्पीड से चला रही थी, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 20 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे। मैं क्या कहूंगी, कोई पूछेगा कि तू किस वेलोसिटी से गाड़ी चला रही थी नॉर्थ की तरफ, तू किस वेलोसिटी से, मतलब किस वेलोसिटी से तू कार या गाड़ी चला रही थी। तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी पहले मैंने 10 मीटर चलाई, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, इतना तो किसी को याद भी नहीं रहता है। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वही है स्पीड वाली बात ही, अलग अलग स्पीड से चला रहे हैं तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो हम एवरेज ले लेंगे और टाइम, एवरेज और टाइम ले लेंगे इनका। एवरेज वेलोसिटी का ये अलग होता है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है अभी, ये बता दूं इसका अलग होता है एवरेज निकालने का तरीका। इट इज 90 मीटर कैलकुलेटेड पर सेकंड इन, हो जाएगी हाँ इट इज इस वेलोसिटी, कैलकुलेटेड, जिसके अगर यानी इस वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे तो फिर ऐसे स्पीड के जैसे, तो फिर इसके अंदर यानी यूनिफॉर्म मोशन और उनका अलग अलग होगा क्या फॉर्मूला? यूनिफॉर्म मोशन का नहीं, अलग नहीं होगा, एवरेज स्पीड इस दोनों इसी से निकलेंगे। वो मेन तो एवरेज किसके लिए वेलोसिटी, करिए, देखो मैं बताऊं, एवरेज स्पीड मेन तो किसके लिए करिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए करिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, अभिमन्यु जैसे मैं 50 किलोमीटर पर आवर चल रही हूँ, सेम ही आएगी। 50 तो सेम ही आएगी, 50 आएगी, मेरे सारे सब्जेक्ट में 50 50 50 50 मार्क्स है, तो मेरे एवरेज मतलब मेरी परसेंटेज 50 तो बनेगी मेरी। तो अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही हूँ, मतलब मैं यूनिफॉर्म स्पीड में चला रही हूँ, तो एवरेज निकालेंगे सेम तरीके से, इसी यही फॉर्मूला लगेगा सेम, लेकिन वो 50 ही आएगी, वो तो सिंपल है, हमें पता भी है, फॉर्मूला सेम लगेगा दोनों के लिए, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। बट ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया है ये मेनली किसके लिए किया गया, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो हमें पता चल जाती है, वैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रही हूँ तो मेरी एवरेज 50 ही है, फिर मैं तो पूरे टाइम ही 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें हमें दिक्कत हो जाती है कि किस क्या स्पीड, बताए कोई पूछे तो तू किस स्पीड से गाड़ी चला रही थी। तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी पहले 10 पे चलाई, फिर मैंने 20 पे, फिर 30 पे, फिर वापस, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन, अपन एवरेज स्पीड, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, बट हम दोनों के लिए यूज करेंगे इसको, दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, एवरेज स्पीड इसी फॉर्मूले से निकाली जाएगी। अब आगे चलते हैं अपन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। तो इसमें भी ये दे रखा है, इसको टिक कर लो, इसको भी, ये भी बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल मतलब अलग अलग, अलग अलग स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन। तो इसका रेट ऑफ मोशन जो होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एवरेज वेलोसिटी में एक्सप्रेस करेंगे। इट इज कैलकुलेटेड, इसकी डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन दे देना यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम है, हाँ स्ट्रेट लाइन है बस, जो अगर उसने है ना 3 4 कट लिए हैं तो उसने बार बार डायरेक्शन चेंज की, तो अपन जो लास्ट में जो डायरेक्शन क्या रखेंगे फिर? डायरेक्शन तो अपन देखो अभी मन्यु यही रखेंगे, डायरेक्शन में इतना नहीं करते कुछ भी, मेन न्यूमेरिकल में ये आएगा इसे एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी। डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी तो वो वेलोसिटी कैसे होगी?
देखो जैसे इसने स्ट्रेट लाइन बोल दिया ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बताओ कैसे होता है, जैसे इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, तो आप एक ही डायरेक्शन दोगे, डायरेक्शन बार बार, जैसे सपोज आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो डायरेक्शन चेंज करी ना पहले नॉर्थ फिर साउथ, जो भी डायरेक्शन चेंज करी, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मेन ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन होगी बस। डायरेक्शन बार बार क्यों चेंज होगी भाई, डायरेक्शन बार बार चेंज ही नहीं होगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट हो जाएगा, और ये किस किस इसको आप क्या ले रहे हो, इसको आप ईस्ट ले रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड सेम स्पीड जैसे निकलेगा, किसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का? हाँ वो बता रहे हैं ना, अभी बता रहे, तो रब कर लो, वेलोसिटी का हम निकालते हैं यहाँ पे, यही तो सीख रहे हैं अभी। ये देखो तो इसमें क्या करना है, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। जैसे हमने ये खत्म हो जाना, जो यहाँ तक फिर जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना ना, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे कि इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट मतलब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time, that is this initial velocity plus final velocity divided by 2। ये formula ध्यान में रखना है, average velocity हम इस तरीके से निकालते हैं, जो शुरू में जो velocity थी, जैसे मैं example देती हूँ उससे अच्छे से समझ आ सके, example दे रही हूँ। अच्छा जैसे ये बनाया था, इसी का बता देती हूँ, चलो ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना, वो वाला कौन सा फॉर्मूला है जो वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ ये वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है, ये तो नॉर्मल वेलोसिटी का, नॉर्मल वेलोसिटी जैसे नॉर्मल स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही नॉर्मल वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो लिख लो इन सब फॉर्मूलों को, नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल मतलब टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का होगा, एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, बस इतना करना है, इसके अंदर हमारी एवरेज आ जाएगी। और एग्जाम्पल दे दूंगी अभी, ठीक है? तो देखो तो क्या है इसके अंदर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ये हो गया मैथमेटिकली वी इसको इसी को लिखा है वेलोसिटी और नीचे एवरेज, ये जो एवरेज है ना इसको शॉर्ट में ए वी लिख दिया, तो वेलोसिटी के लिए वी और इस एवरेज के लिए ए। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, वो स्टार्ट कोई कार को स्टार्ट करेगा, यस जो स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो स्टार्टिंग में, जैसे कार है तो कार रेस्ट पे है तो मतलब जीरो, उसकी जो स्पीड है वो जीरो। अगर अपन को दिया है क्वेश्चन में कि वो रेस्ट पे है, कोई कार है जो रेस्ट पे है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे जीरो, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है और वो उसकी जो वेलोसिटी है जो भी फाइनल होगी वो लेंगे यहाँ पे। इनिशियल अगर वो रेस्ट पे बता रहे हैं तो हमें जीरो लेनी है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी खुद ही दे देंगे क्वेश्चन के अंदर कि कार की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी और फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, अपने आप दे देंगे न्यूमेरिकल में इनिशियल फाइनल, अगर रेस्ट पे बताते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, बस इतना सा है। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है अपना, वेयर वी वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, फिर वो वापस उसको है ना रेस्ट पे है ना छोड़ता है, तो जीरो फाइनल जीरो, यस इनिशियल भी जीरो और फाइनल भी जीरो। अगर ऐसे लिख देते ना क्वेश्चन में कि वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और फिर वो कार को रेस्ट पे ही वापस ले आता है, रेस्ट पे ही कार है, तो इनिशियल भी जीरो लेंगे और फाइनल भी जीरो लेंगे, फिर तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई, जीरो ही आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी भी तो लगाई थी, फिर उसकी जीरो कैसे आ सकती है, जीरो आएगी अभी देखो बता देंगे, नीचे क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल उसमें समझ आ जाएगा और अच्छे से।
वेयर वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी और वी इज फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी. इसी को मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड. ये भी ध्यान रखना, दोनों की सेम यूनिट्स होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है दोनों की यूनिट. ठीक है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हुआ है और किसी भी चीज में चेंज नहीं हुआ है. इसमें क्या है, ये एक्टिविटी. देखो जैसे ये जीरो वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन करेंगे ना, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. एक्टिविटी मेजर द टाइम, ये एक्टिविटी तुम रीड करो तो अभी मैंने, तुम ही एक्सप्लेन करो. Measure the time it takes you to walk from your house to your bus stop or the school. The time is a measure करना है जो it takes हमारे द्वारा जो लिया गया है to walk from your house से चलते हुए to your bus stop तक या फिर school तक, तो उस time को measure करना है. If you consider that your average walking speed is, अगर हमने मान लिया कि हमारे जो जो वॉकिंग जो एवरेज स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस. एस्टिमेट मींस अनुमान लगाना. अनुमान लगाना, एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना. तो अंदाजा लगाओ द डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टॉप से और जो स्कूल से है ना तुम्हारे हाउस तक का जो जो है ना डिस्टेंस वो कितना है. So measure the time it takes you to walk from your house to your bus stop or the school. तो time measure करना है कि आपको कितना समय लगा है. ठीक है, takes you to walk from your house to your bus stop or school. Bus stop पे या school मिल जाता है अपना, ये यहाँ पे घर हो गया और यहाँ पे school है, तो घर से और school जाने में कितना time लगा है वो measure करना है. If you consider that your average walking speed is 4 km/h, आपकी जो speed थी वो 4 km/h थी, तो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस. तो आप वो बताओ, इसमें रब कर देते हैं. क्या बोला, अब शुरू से डायग्राम बनाते हैं. मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस. ये हमारा हाउस है और ये हमारी स्कूल है. ठीक है, ये रहा हाउस H और ये रही स्कूल S. ठीक है, अब हाउस से हम स्कूल जा रहे हैं, तो मेजर द टाइम, टाइम मेजर कर लो कि आपको अपने मतलब जो अपने पास घड़ी होती है उस घड़ी में देख लो कि मुझे 30 seconds लग गए स्कूल पहुंचने में. 30 seconds वॉच है मेरे हाथ में, मैंने घर से निकलते हुए टाइम देखा और स्कूल पहुंच के टाइम देखा, तो 30 seconds में मैं स्कूल पहुंच गई. तो ये मेजर कर लिया मैंने टाइम. ठीक है, इफ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड, जो आपकी स्पीड थी, जो एवरेज स्पीड थी आपकी, और ये एवरेज जो स्पीड थी आपकी वो कितनी थी, 4 km/h. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप एंड द स्कूल फ्रॉम, तो एस्टिमेट करो डिस्टेंस बताओ कितना होगा. तो वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं ना अपन, तो इसको इस तरीके से कर लो. टाइम को यहाँ टाइम तो पता है, तो हम क्या करेंगे, एस इंटू टी इज इक्वल टू डी. डिस्टेंस पूछा ना तो यहाँ से अपना डी आ जाएगा. अपनी स्पीड कितनी है, 4 km/h, बट ये सेकंड्स में ले रखे. चलो इसको भी आर में ले लेते हैं. चलो मेरे को 2 घंटे लगे सपोज, इसको भी आर में ले लेते हैं. सेम में होनी चाहिए ना यूनिट. सपोज मुझे 2 hours लगे स्कूल पहुंचने में, मुझे 2 hours लग गए. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड है अपनी 4 और टाइम है अपना 2. कैंसिल, 2 हो जाएगा, 4 किलोमीटर, 8 हो जाएगा ना, डायरेक्ट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा डायरेक्ट, 8 किलोमीटर. तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर हो गया. सिंपल सी चीज. आगे एक्टिविटी रीड करो. एक्टिविटी 8.7. At a time when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. एक समय पर when it is cloudy, जब जो बादल हो
एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, जब बहुत क्लाउडी होता है मतलब बादल छाए हुए हैं, देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग. जब बादल छाए रहते हैं तो थंडर मतलब गरजना और लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना. थंडर मतलब वो आवाज आना, जो आवाज आती है ना गरजने की, कड़ 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 ऐसे आवाज आती है ना, और बिजली चमकना. लाइटनिंग मतलब चमकना, और थंडर का मतलब होता है आवाज के लिए यूज किया जाता है, गरजना. तो एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, जब बादल छाए होते हैं तो देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर, तो गरजने की आवाज आती है और लाइटनिंग आती रहती है. ठीक है, ऐसा चलता है ना, अपन को देखते भी अपन. द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम्स टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग. जो थंडर है वो लेट पहुंचती है और जो लाइटनिंग है वो पहले आ जाती है. द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग. लाइटनिंग पहले, लाइटनिंग की स्पीड देना ज्यादा है थंडर की, साउंड की स्पीड कम होती है. जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है, मतलब जो लाइट जो ट्रेवल करती है ना, तो लाइट की जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है वो ज्यादा होती है. 3.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट, है ना. और जो साउंड है इसकी स्पीड कम होती है, तो इस वजह से लाइट में पहले दिखती है, आवाज हमें बाद में सुनाई देती है. कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपेंड. तो ये आंसर कर दिया हमने. मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच. आप अपनी घड़ी से देखो कि अभी बिजली चमकी और आवाज कितनी देर बाद हुई, मतलब एक दो सेकंड बाद ही आ जाती है वैसे तो, अगर अपन एस्टिमेट लगाए तो, है ना. तो जैसे बिजली चमकती है उसके एक दो सेकंड या चार पांच ले लो, मतलब इतने सेकंड में आ जाती है, एक दो सेकंड में. तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, ये साउंड की स्पीड ही है 346 मीटर पर सेकंड, और लाइट की होती है 3.8 मीटर पर सेकंड. यहाँ से लिखा है क्यों लाइटनिंग की स्पीड तो स्टैंडर्ड यूनिट में कितनी होगी, ये 3.8 ही होती है इसके लिए. 3.8 वैल्यू किलोमीटर. किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड. 3.8 मीटर पर सेकंड कहाँ पे ऊपर गई मैं, ऊपर 3×10^8. हाँ ये रहा ना. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, हाँ 3×10^8. उस क्वेश्चन आंसर में भी आई थी, आ जाएगी क्वेश्चन में, आ जाएगी न्यूमेरिकल के अंदर. आगे चलते हैं अपन. थ्री इंटू टेन की पावर एट. ठीक है, तो और साउंड की होती है 346 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. लाइट की तो हम बहुत यूज करते हैं इसलिए लाइट का तो आ जाएगा, साउंड का. चलो अब क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन, डिस्टिंग्यूश बिटवीन. डिस्टिंग्यूश का मतलब हो गया एक तरह से, मतलब डिफरेंस बताओ दोनों के बीच, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला डिफरेंस, स्पीड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्या स्पीड ऐसा यूनिट बोथ की मीटर पर सेकंड है. और क्या वो, ये तो नहीं लिखनी डिफरेंस में, ऐसा यूनिट नहीं लिखनी क्योंकि सेम है, इसलिए ये चीज नहीं लिखनी. फॉर्मूला लिख सकते हैं. फॉर्मूला कौन सा? हाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी लिख सकते हैं. और एक ये चीज लिख दो कि स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी स्पीड. स्पीड नेगेटिव जो हमारी है, अपन कभी सुना है कि मैं -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, कभी भी सुना है किसी से? नहीं सुना ना, हमेशा 10 मीटर मतलब प्लस में ही सुना है अपन ने. और क्या कभी सुना है कि मैं 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ? 0 मीटर सुना है कभी ना? तो हमने कभी जीरो सुना है और ना ही हमने कभी माइनस की स्पीड से किसी को चलाते हुए सुना है कि हम माइनस की स्पीड से चला रहे हैं. ठीक है ना,
तो जो स्पीड है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, स्पीड कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी तीनों चीजें आ जाएंगी वेलोसिटी के अंदर, तो ये भी डिफरेंस लिखना है। नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, इनिशियल माइनस फाइनल। नेगेटिव कैसे होगी वेलोसिटी, नेगेटिव ऐसे होगी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, क्या था डिस्प्लेसमेंट में, क्या था फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं ना अपन, जैसे वेलोसिटी अपनी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल जो वो है पॉइंट है उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे हम, इनिशियल प्लस या फाइनल लिखा है वो एवरेज वेलोसिटी का है ना। जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी जगह का, ये है और ये है, तो अपन कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था जीरो, जीरो से कितना 60 किलोमीटर चला, तो अपन इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अपन डिस्प्लेसमेंट हम निकालते थे 60 माइनस 60 फाइनल माइनस जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलता था ना अपना, तो 60 आ गया, इस तरह से निकलता था डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, खाली पेपर पे समझाती हूँ, खाली पेपर पे पूरा समझाती हूँ, यहाँ पे समझाती हूँ देखो। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे वो तो मैंने बता के वापस बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम, ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट जीरो लिया और ये 60 लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही निकालते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल पॉइंट मतलब 60 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, इस तरह से होता है, ठीक है। सपोज मैं इसको ऐसे ले लू, मैं इसको चलो यहीं से ले लू, यहां से मैं वापस जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं रुको चलो ये ऐसे नहीं लेते हैं, अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे सपोज 60 है, 60 से मैं 60 किलोमीटर है ना यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे मैं जीरो से यहाँ पे आई 60 पे आई और फिर मैं वापस इनिशियल पॉइंट अगर 60 है और जो फाइनल वो 90 60 से 90 पे जाके फिर वापस 50 पे आ जाए तो -10 का डिस्प्लेसमेंट हो, तो -10 का डिस्प्लेसमेंट होगा 60 से 90 है सपोज, ठीक है, और यहाँ 90 से मतलब वापस कितना आ जाए पीछे, पीछे ले लो इसको 90 से मतलब पीछा आ जाता है ये, तो अपना जब अगर अपना फाइनल पॉइंट, ये क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव तब होगा जब हमारा जो फाइनल पॉइंट होगा ना वो ज्यादा वो कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा। अगर ये सपोज 70 है और ये हमारा यहाँ पे 50 है, ये हमारा यहाँ पे 50 ही है सिर्फ, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा नेगेटिव वो आ जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव तो हमें पता ही है पॉजिटिव तो होगी होगी, ठीक है। तो तीनों हो सकती है वेलोसिटी, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ज्यादा, ध्यान में रखना इसको। तो जो हमारी वेलोसिटी है इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, और जो स्पीड है वो ना तो नेगेटिव होती है कभी भी ना जीरो। कभी किसी को नहीं सुना कि हम मैं जीरो स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ या मैं -10 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। वन हो सकती है, कैंसिल करने पे वन हो ही जाएगी, वन तो हो सकती है, वन तो कह सकते हैं अपन, जीरो से ऊपर हो सकती है, पॉजिटिव में सब आ जाएगा वन। यस मैम, ये इतने डिफरेंस बहुत है। तो एक चीज और है, हाँ, जो वेलोसिटी है ना वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ भी चेंज हो जाती है, तो हमें एक ही डायरेक्शन रखनी है, मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एक ही डायरेक्शन देगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा वेलोसिटी के लिए। और जो इसमें एवरेज जो हमारी स्पीड होती है इसके अंदर डायरेक्शन कुछ भी लेते रहो, स्पीड को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। यस मैम,
आगे चलता, मतलब वेलोसिटी होती है एक तरह से पोजीशन उसके चेंज। वेलोसिटी को हम लेते हैं पोजीशन, स्पीड को हम लेते हैं कि रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो स्पीड जो है, पॉइंट बता देती हूँ वापस से क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है ना इतना, तो मैं ये चीज बता देती हूँ, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्पीड क्या है? स्पीड होती है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट जिस रेट पे, तो वो होती है हमारी स्पीड। मतलब ये 10 किलोमीटर कवर कर रहा है एक घंटे में, तो ये सर्टेन डिस्टेंस, मतलब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस एक घंटे में कवर कर रहा है, तो सर्टेन डिस्टेंस वो कवर कर रहा है किस रेट में? 1 किलोमीटर के, एक घंटे के टाइम में वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, इस रेट पे वो चल रहा है, मतलब ये कार चल गई, तो स्पीड हमारी सिंपल होगी 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी में होता है पोजीशन, वेलोसिटी में पोजीशन का खेल है, इनिशियल और फाइनल अपन पोजीशन लेते हैं ना, इसमें पूरा डिस्टेंस जितना चला है वो पूरा देखा जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वो अपनी पोजीशन, पहले पोजीशन ये थी, फिर इसकी पोजीशन, पोजीशन देखते, इसमें ये नहीं देखते कि इसने कितना डिस्टेंस चला, ये कोई मायने नहीं रखता वेलोसिटी के अंदर कितना चला है, इसकी पोजीशन मायने रखती है कि इनिशियल शुरू में ये यहाँ पे था और फाइनली ये यहाँ आके मतलब यहाँ पहुंच गया फाइनली। तो इसमें इनिशियल और फाइनल दो देखी जाती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का, और एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन फिक्स होती है, डायरेक्शन हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ईस्ट में तो ईस्ट ही आएगा सिर्फ, ठीक है, ईस्ट ही लिखा जाएगा। तो इसके अंदर पोजीशन का खेल है, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और इसके अंदर पूरा डिस्टेंस कवर्ड का खेल है, स्पीड में पूरा डिस्टेंस कवर्ड और इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अगर जैसे जो टैक्सी वाला हमें लेके जाता है और वापस हमें अपने घर पे छोड़ देता है, तो हम कहेंगे हमारी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, वेलोसिटी के हिसाब से तो हम तुमको पैसे नहीं देंगे भाई, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो मेरी चेंज नहीं हुई, तो कुछ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, हाँ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम किराया नहीं देते, हम डिस्टेंस के हिसाब से देते हैं किराया। जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा है ना गाड़ी से, तो गाड़ी अपन से वो किराया लेगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट का किराया लेगी, वो अपन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल वो फेयर अपन से चार्ज करती है, जितना चला है उतना ही अपन से पैसा लेती है। तो वेलोसिटी का मतलब पोजीशन, और स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो ये मेन मेन इनके डिफरेंसेस थे। क्वेश्चन नंबर टू करें? यस मैम। क्वेश्चन नंबर टू रीड करो। Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Under what condition? हाँ बताओ। When the magnitude of velocity and speed can be changed on if they covered on a straight line distance. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सही है, अगर सेम जैसे जो, हाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे कह लो, सपोज अपन ने ऊपर नहीं पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब सेम होगा, देखो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है, और वेलोसिटी हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो इसने क्या बोला कि दोनों सेम कब होंगी? तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दो ये भी सेम हो जाएंगे। इसने क्या बोला है? अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर कब आएगी? जब जो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो या तो स्ट्रेट लाइन, जो तुम कह रहे हो ठीक है स्ट्रेट लाइन कह लो, या कह लो कि जो डिस्टेंस कवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 से 60 किलोमीटर तक चले, यहाँ से 60 किलोमीटर तक ट्रेवल किया, 0 से 60 किलोमीटर तक इसने ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस भी हमारा 60 किलोमीटर है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 60 किलोमीटर, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 60 किलोमीटर। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे तो जो एवरेज स्पीड और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, सिंपल, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी
सेम होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू से, और एवरेज स्पीड तो हमें पता ही है टोटल डिस्टेंस का। तो ये हो गया सेकंड का क्वेश्चन। नंबर थर्ड पढ़ो, इसका तो तुम खुद ही आंसर दोगे, ऊपर पढ़ा था हमने, पढ़ो। रीड करो अभिमन्यु क्वेश्चन नंबर थ्री और इसको आंसर भी करो।